हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस। मेरा नाम है सुमित लूथरा और मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर। तो बेटा, जैसा कि आप सभी लोग वीडियो का टाइटल पढ़ के आए हैं, आज का हमारा टॉपिक है मोलैरिटी वर्सेस मोलैलिटी। मोलैरिटी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और मोलैलिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, लेकिन उसके बावजूद एक भेदभाव है दोनों के अंदर कि हम मोलैरिटी से ज़्यादा मोलैलिटी को पसंद करते हैं। और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनमें और इनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्यूशन कैलकुलेशंस के अंदर, इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं हमारे स्पेशल वीडियो में, जिसका नाम है मोलैरिटी वर्सेस मोलैलिटी। तो सबसे पहली बात है कि मोलैरिटी होती क्या है और मोलैलिटी क्या होती है, इन दोनों चीज़ों के बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि मोलैरिटी और मोलैलिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या है, एंड देन वी विल मूव फर्दर इन डेप्थ। तो देखिए बेटा, कोई भी सोल्यूशन होता है तो हर सोल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं। मैं बात कर रहा हूं बाइनरी सोल्यूशन की, तो बाइनरी सोल्यूशन में तो वैसे दो कंपोनेंट्स रहेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जो ज्यादा मात्रा में रहता है, और सेकेंड कॉम्पोनेंट होता है सोल्यूट। सोल्यूट जो होता है वो थोड़ी क्वांटिटी में रहता है, कम क्वांटिटी में रहता है। जैसा कि आपको पता ही है, अगर मैं सॉल्ट को पानी में डालकर उसका मैं अगर सॉल्यूशन तैयार करता हूं, देन सॉल्ट विल बी इन स्मॉल अमाउंट, दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज सॉल्यूट, व्हाइल द सॉल्वेंट इज वाटर। ओके, बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो इसी तरह से अगर सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाई घटाई जाए तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि कितना सॉल्यूट अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो चलिए, इन सब बातों से थोड़ा दूर होते हैं, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है पहले से। आज की जो मेन चीज है वो है मोलैरिटी और मोलैलिटी की भिड़ंत। तो देखिए बेटा, सपोज करो कि मैं एक लीटर, मेरे पास सॉल्यूशन है यहां पर, ठीक है, दिस इज वन लीटर सॉल्यूशन। इस वन लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन सॉरी ओके एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, उसे हम कहते हैं बेटा मोलैरिटी। और इसको M, कैपिटल M के साथ डिनोट किया जाता है, इसको कैपिटल M के साथ डिनोट किया जाता है। बात करते हैं मोलैरिटी की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोलैरिटी वर्सेस मोलैरिटी की, तो अभी हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बीच में। अगर मेरे पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अगर मैं सिर्फ उसके सॉल्वेंट की क्वांटिटी देखूं, और अगर मेरे पास जो सॉल्वेंट है वो 1 kg हो, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो दिस इज मोलैलिटी, इसे मैं मोलैलिटी बोलूंगा। तो मोलैलिटी भी लगभग मोलैलिटी जैसी है, लेकिन जो डिफरेंस है बेसिक वो क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और इसको स्मॉल m के साथ डिनोट किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैलिटी के अंदर, कि मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तो बात हो गई बेसिक डिफरेंस की। अब हम करेंगे इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जनरेट करते हैं बेटा, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जनरेट करते हैं। उसको जनरेट भी बेटा मैं एक साथ करूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्पेशली है मोलैरिटी वर्सेस मोलैलिटी, ठीक है, तो मैं सेपरेटली कुछ नहीं करूंगा, इन दोनों को मैं एक साथ ही डिराइव करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या मतलब निकलता है। ये मैंने लगा दी एक लाइन, इस साइड पर बात होगी मोलैरिटी की और यहां पर बात होगी मोलैलिटी की। आपकी आसानी के लिए मैं इसको कैपिटल M और इसको स्मॉल m में लिख दे रहा हूं, ठीक है।
तो बेटा जो मोलैरिटी है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बन जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एंड साइमल्टेनियसली जो मेरी मोलैरिटी है स्मॉल m, वो क्या होगा बेटा, वो रहेगा मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट। इस बार बेटा वॉल्यूम नहीं आएगा, मोलैरिटी में वॉल्यूम था लेकिन यहां पर क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। करेक्ट, तो ये इन दोनों का फॉर्मूला बन जाता है मेरे पास। मोलैरिटी का फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैरिटी का क्या रहेगा केस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। लेकिन बेटा जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री के अंदर हम बिगर यूनिट्स बहुत कम यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो लीटर्स में नहीं लेते हैं, हम ml में लेते हैं, और या फिर हम लेते हैं बेटा ग्राम्स में। ठीक है, इतना सारा केमिकल यूज नहीं किया जाता एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो मैं इनको स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर दे रहा हूं इन दोनों को साइमल्टेनियसली। देखिए किस तरह से होगा, जैसे मेरे पास यहां पर है लीटर, तो मैं इसको ml में कन्वर्ट कर दे रहा हूं और मल्टीप्लाई करूंगा 1000 के साथ। करेक्ट, किसी बच्चे को इस बात से कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया है। और जैसा कि यहां पर किलोग्राम है, तो इसको मैं ग्राम्स में कन्वर्ट कर दे रहा हूं और मल्टीप्लाई करूंगा 1000 के साथ, तभी तो किलोग्राम ग्राम बनेगा, तभी तो लीटर ml बनेगा। अगर 1000 से डिवाइड नहीं किया तो क्या फायदा। ठीक है, एक बात याद रखने का कि बेटा जो सॉल्यूट रहेगा उसको मैं b लिखूंगा, कैपिटल b। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं आपको कि जो सॉल्यूट होता है उसे हम b लिखते हैं बेटा, और जो सॉल्वेंट होता है उसे हम a की तरह लिखते हैं। ओके, सॉल्यूट को हमेशा कैपिटल b और सॉल्वेंट को हमेशा कैपिटल a के साथ डिनोट किया जाता है ताकि फॉर्मूला लिखने में आसानी हो सके। तो अभी देखते हैं कि जो मोलैरिटी है उसका फॉर्मूला क्या जनरेट होगा। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मैं यहां पर b लिख डालूंगा, वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये बेटा मेरे पास फॉर्मूला जनरेट हो चुका है मोलैरिटी का। सिमिलरली अगर मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखूंगा तो वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर WA आएगा इन ग्राम्स, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो देखो बेटा जो मोलैरिटी और मोलैलिटी है ये दोनों बहने हैं आपस में। ठीक है, ये दोनों बहने हैं, थोड़ा बहुत फर्क है, ज्यादा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ओके, अब एक और चीज है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको लिखने का एक और तरीका होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो यहां पर आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये मैं वैल्यू एन बी की अगर इन दोनों में फिल कर दूं तो मेरा बेटा जो फॉर्मुलेशन है वो थोड़ा और डेप्थ में चला जाएगा। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इन एम एल मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो ये मेरा बन जाता है फॉर्मूला। ओके, और मोलैरिटी तो हो गया, अब बात करेंगे मोलैरिटी की, ये बन जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये मेरा फॉर्मूला जो है वो बन जाता है मोलैरिटी का। तो जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है तो हम इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं ताकि हर न्यूमेरिकल अच्छे ढंग से आसानी से निकल सके। तो ये मेरा बेटा फॉर्मूला यहां तक हो जाता है। अगली अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, नेक्स्ट है मेरे पास कि किस तरह से हम इसके यूनिट्स जो हैं वो लिखते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स को ऐसे लिखेंगे, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स और नीचे क्या आ जाएगा लीटर। तो यूनिट्स कैसे लिखेंगे, आइए चेक करते हैं इनको यूनिट्स। तो जैसा कि हमें पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला है तो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे बेटा, यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर। ठीक है, मोल्स प्रति लीटर, ये इसके यूनिट्स बनेंगे।
और यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी क्या बनेंगे? यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी ये बेटा मेरे पास बन जाएंगे मोल्स पर केजी। केजी का मतलब किलोग्राम, क्योंकि हमारे पास यहां पर वेट होता है इसलिए मोल्स पर केजी ही इसको लिखा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि किस तरह से इसके यूनिट्स बनते हैं, किस तरह से नहीं बनते हैं। तो बेटा ये जो यूनिट्स हैं ये एक और तरीके से लिखे जाते हैं, जैसे कि जो मोल्स पर लीटर है उसको हम सिंपली मोलर भी बोलते हैं, और जो मोल्स पर किलोग्राम है उसको हम मोलर बोलते हैं। तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि हम इसको क्या बोलते हैं। चलिए, मोल्स पर लीटर इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर, इसे मोलर भी कहा जाता है, और जो यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी है मोल्स पर किलोग्राम इसको मोलल MOLAL मोल के साथ भी लिखा जाता है, करेक्ट। तो दूसरी बात करते हैं बेटा आगे चल के, इसको मैं भी कर रहा हूं रब, क्योंकि इतना आपने आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो यहां पर बात हो रही है मोलैरिटी और मोलैलिटी की, तो भाई अब हम बात करेंगे इसके थोड़े आगे का जो सिस्टम है बेटा। देखो कि जो मोलैरिटी थी, मोलैरिटी ये थी बेटा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और जो मोलैलिटी थी वो थी मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो ये था इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दीज आर कांस्टेंट, ये क्या बेटा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। बट जो वॉल्यूम है, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है? तो बेटा इसका जवाब है एब्सोल्युटली नो, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती घटती रहती है। दरअसल होता क्या है कि जो लिक्विड की वॉल्यूम होती है, लिक्विड की वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होती है, टेम्परेचर घटाने पर डिक्रीज होती है, इतना तो आपको पता ही होगा। बिकॉज ऑल लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग देयरफॉर द वॉल्यूम वेरीज विद वेरिएशन इन टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑल्सो शो वेरिएशन विद द वेरिएशन इन टेम्परेचर, देयरफॉर वॉल्यूम इज नॉट कॉन्स्टेंट हियर। वॉल्यूम यहां पर कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, इट इज वेरिएबल, ये चेंज होगा। तो इसका मतलब है कि जो मोलैरिटी है वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहेगा, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं मोलैलिटी की, तो ये जो बेटा मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है दिस इज कांस्टेंट, ये तो भैया कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो वेट, क्या वेट किसी भी क्वांटिटी के चेंज करने पर चेंज होगा? क्या वेट टेम्परेचर बढ़ाने पर चेंज होगा? अगर कोई चीज 1 kg है तो वो सर्दियों में, गर्मियों में, बसंत ऋतु में हर जगह पर क्या रहेगा? 1 kg ही रहेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई ये भी क्या रहेगा, यहां पर कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि मोलैलिटी जो होती है बेटा वो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं करती है, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ, चाहे टेम्परेचर घटाओ, चाहे वॉल्यूम बढ़े, चाहे वॉल्यूम घटे, मोलैलिटी रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। बट जो मोलैरिटी है, ये बेटा वॉल्यूम के साथ चेंज करता है, ठीक है, और इनवर्सली चेंज होता है। इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, अगर मैं सॉल्यूशन की वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूं, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि सॉल्वेंट की वॉल्यूम को अगर मैं चेंज करता हूं, देन व्हाट विल हैपन इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, देन मोलैरिटी डिक्रीजेस। ओके, तो क्या आपको इस बात का जवाब मिल गया कि लोग जो केमिस्ट लोग हैं वो मोलैलिटी को बेटर क्यों समझते हैं? वो मोलैलिटी को बेटर इसीलिए समझते हैं बिकॉज ये कभी चेंज नहीं होती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अगर मैंने 2 molal सॉल्यूशन लिया तो वो 2 molal ही रहेगा सर्दियों में, 2 molal ही रहेगा गर्मियों में, 2 molal ही रहेगा वर्षा में। लेकिन अगर मैं मोलैरिटी का यूनिट इस्तेमाल करता हूं, जैसे कि मैंने 2 molar ले लिया, तो अगर उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर से वो एक्सपैंड हो जाएगा, और लेकिन सॉल्यूट तो उसमें उतना ही है, ठीक है, सॉल्यूट तो उतना ही है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक्सपैंड हुआ। दैट इज वाई हम क्या कह सकते हैं कि
ये मोलैरिटी जो है बेटा वो घट जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो समझने वाली है। तो सबसे बड़ी चीज यहां पर ये है मोलैरिटी वर्सेस मोलैलिटी में कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है बेटा, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, ये कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। ओके, तो क्या आपको इतनी सी बात समझ आई जो मैंने बताई? आई होप कि अवश्य आ गई होगी। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको ये चीजें समझ ना आ सके, बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, तो आपको ये चीजें क्लियर हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है बेटा वो है मिक्सचर, मिक्सचर की मोलैरिटी। तो बेटा मिक्सचर की मोलैरिटी कैसे हम सॉल्व करते हैं, आइए उसको समझते हैं अभी, क्योंकि धीरे धीरे हर चीज जो है वो इंसान को आनी चाहिए। एक और बात बता देता हूं मैं कि मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर हमेशा 55.5 रहती है बेटा, ठीक है। ये बात भी नोट करने वाली है, कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है कि प्योर वाटर की मोलैलिटी क्या है। प्योर वाटर की मोलैलिटी 55.5 रहेगी, ठीक है। लेकिन मोलैलिटी क्या है प्योर वाटर की, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर? क्योंकि प्योर वाटर की जो बेटा जितना मर्जी आप इसका वॉल्यूम चेंज कर दीजिए, ये चेंज नहीं होने वाली, लेकिन मोलैलिटी चेंज होती है। मोलैरिटी इज वेरिएबल, सो दैट इज वाई मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कैन नॉट बी डिस्कस्ड। ओके, ये सिर्फ आप तभी कर सकते हो जब आपको पता हो कि उसकी वॉल्यूम कितनी है, टेम्परेचर कितना है, डिफरेंट टेम्परेचर पर वो डिफरेंट शो करेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। बात करते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर की। बेटा सपोज करो कि मेरे पास एक लिक्विड है, दिस इज अ लिक्विड, लिक्विड ए, एंड दिस इज अनदर लिक्विड, लिक्विड बी। ओके, अब मैं इन दोनों को मिक्स करने के बाद एक नया लिक्विड तैयार करता हूं, दिस इज द लिक्विड ए एंड दिस इज द लिक्विड बी, एंड आई मेक बाय मिक्सिंग ए एंड बी अ न्यू सोल्यूशन ए बी, और यू कैन से इट इज अ मिक्सचर ऑफ ए बी। अब इस सोल्यूशन के अंदर कुछ पार्ट ए और कुछ पार्ट बी का, दोनों का होगा, ठीक है। तो इस समय मैंने कितना वॉल्यूम ए का इसके अंदर मिक्स किया, दैट इज वी वन, और मैंने कितना वॉल्यूम बी का इसके अंदर मिक्स किया, दैट इज वी टू। व्हाट वॉज द मोलैरिटी ऑफ प्योर ए, लेट दिस इज एम वन एंड एम टू इज द मोलैरिटी ऑफ द बी लिक्विड, बट व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ दिस मिक्सचर? सो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर से m इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, अगर यहां पर एक तीसरा कंपोनेंट भी होता जिसका नाम होता c, और उसकी मैंने वॉल्यूम जिसके अंदर इंट्रोड्यूस करी वो है v3, तो बेटा यहां पर m3 v3 भी आ जाएगा, उसको आने में कोई शर्म महसूस नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से जितने ज्यादा आप इसके कंपोनेंट्स बनाते जाओगे उतना ही ज्यादा यहां पर ये फॉर्मूला चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। बाकी सब सिंपल है। इसमें एक समझने वाली चीज क्या है, एक और चीज है बेटा, बड़ी सिंपल चीज है कि अगर आप बात करें मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी सोल्यूशन को पतला कर देता हूं उसके अंदर वाटर ऐड करने के बाद, अगर मैं किसी सोल्यूशन को पानी डालकर पतला कर देता हूं तो उसकी मोलैलिटी के बीच में क्या अंतर आएगा, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि अब उसकी मोलैलिटी कितनी है? सपोज करो कि मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने इतना सोल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज द सोल्यूशन, और इसकी मोलैलिटी है एम वन, मोलैलिटी, ओके, इसकी मोलैलिटी कितनी है बेटा, एम वन है। अब मैं इसके अंदर वाटर ऐड कर देता हूं, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, जब मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया
तो इसकी वॉल्यूम यहां पर हो गई, पहले इसकी वॉल्यूम थी वी वन के बराबर, तो अब इसकी बेटा वॉल्यूम हो गई वी टू। ओके, अभी इसकी वॉल्यूम हो गई वी टू, तो अब इसका जो मोलैरिटी है वो कितना रहेगा आफ्टर डाइल्यूशन। ओके, तो बेटा हमने क्या देखा है, हमने देखा कि जो मोलैरिटी होती है, जो बेटा मोलैरिटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो बेटा मोलैरिटी है, ठीक है, मोलैरिटी इज वन अपॉन वी, एंड व्हेन वी कम्स हियर एम वी बिकम्स कॉन्स्टेंट, इट बिकम्स कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट हो गया, यानी कि हमेशा हमेशा मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी, अगर वॉल्यूम घटेगा तो मोलैरिटी बढ़ेगी, लेकिन उतनी ही क्वांटिटी तक बढ़ेगी ताकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम रह सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है बेटा एक, ये मैंने एग्जाम्पल तो ली रखी है, तो एम वन वी वन इज ऑलवेज इक्वल टू एम टू वी टू इन केस ऑफ डाइल्यूशन, इन केस ऑफ डाइल्यूशन एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू। और यही चीज मोलैलिटी के केस में भी लागू होती है, इन केस ऑफ मोलैलिटी दैट इज ऑल्सो एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू। तो ये था कुछ मोलैरिटी और मोलैलिटी का कंपैरिजन। आई होप कि आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच का जो कंपैरिजन है वो अच्छा लगा होगा देखकर, और आपकी नॉलेज भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो चुकी होगी, काफ़ी आपको चीज़ें पहले से पता होंगी, कुछ ना कुछ आपको इसमें नया भी शायद पता लगा हो। बुक्स में सब है, हम भी बुक्स से पढ़ते हैं, आपने भी बुक्स में पढ़ा होगा, हर चीज़ें, हर चीज़ जो है बेटा ये आपके काम आने वाली है, तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान लगाकर पढ़ा कीजिए और इसको अच्छे से आप समझ के करेंगे चीज़ों को, क्योंकि रट्टा लगाने से चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। हमने बोल दिया कि एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू, तो आपने मान लिया, लेकिन कैसे आया वो बेटा हम आपको यहाँ पर करके दिखाते हैं। वैसे भी ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी यूज़ होती हैं, जब आप केमिस्ट्री की लैब के अंदर जाते हो तो हम आपको सोल्यूशन बनाना सिखाते हैं, वहाँ पर जब सोल्यूशन बनते हैं तब ये इक्वेशन यहाँ पर यूज़ होती है, वो होती है नॉर्मैलिटी की, एन वन वी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू। खैर, उन चीज़ों को हम एक साइड पर रखते हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक दबा दीजिए, शेयर दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।